जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। क्या हालचाल मेरी जान, बहुत दिन हो गए आप लोग अच्छे से मुझे बताते नहीं हो कि आप कैसे हो। जरूर बताया करो, मुझे भी पता लगता है और मैं अपनी दुआओं में आपके लिए दुआ जरूर मांगती हूँ। चलिए जी, आज आपको कुछ अलग, कुछ नया बताती हूँ। आज का टॉपिक मेरी उन बच्चियों के लिए है जिनके जीवन में रोमांस नहीं है, मतलब शुक्र कहीं ना कहीं उन्हें इफेक्ट कर रहा है। अब बच्चे बोलेंगे, माँ हमने क्या गलती करी है? कोई गलती नहीं करी है, बस एक लिहाज का पर्दा होता है। आप भी ये काम कर सकते हैं, आप भी सुन सकते हैं, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मैं किसी जेंट्स को ये काम बताऊँ, किसी लड़के को ऐसी चीज़ें बोलूँ। तो आप अपने आप समझ जाइएगा और ये लिहाज रखकर अपनी माँ की बात को अपने जीवन में उतार लीजिएगा। पर मेरी बच्चियाँ ये काम ज़रूर करें, क्योंकि ये स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ। लव रोमांस अगर अच्छा ना हो ना ज़िंदगी में, तो इंसान को बहुत सारी कमियाँ महसूस होने लगती हैं, अपने अंदर चिड़चिड़ापन लगने लगता है। कहीं ना कहीं आपकी बॉडी भी आपकी एनर्जीज को सही तरीके से रोटेट नहीं कर पाती। और एक पति पत्नी के बीच में तो शारीरिक संबंध उनके रिश्ते की सबसे बड़ी मजबूत डोर होते हैं। अगर आपके बीच के शारीरिक संबंध ही अच्छे नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में दिक्कतें आने लगती हैं। इसी शारीरिक संबंध की पूर्ति के लिए कई बार हस्बैंड भी और वाइफ भी इधर उधर भटक जाते हैं, किसी और के पास जाकर अपनी इस चीज़ की पूर्ति करना चाहते हैं। पर जब आपको ईश्वर ने कोई दिया है जिसके साथ आप जी रहे हैं, तो उन्हीं के साथ इसे अच्छा और मजबूत बना लीजिए ना। आज आपकी लव लाइफ और सेक्स लाइफ को अच्छा बनाने के लिए कुछ नया बताने जा रही हूँ। तैयार हैं? तो चलिए बताती हूँ। लेकिन इससे पहले ये तो बता दूँ कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको जीवन का सार बताने चली आती हूँ। अगर आपकी सेक्स लाइफ अच्छी नहीं है, तो आपको शुक्रवार के दिन, शुक्रवार क्यों? क्योंकि शुक्र आपके प्रेम का प्रतीक है। तो शुक्रवार के दिन आपको अपने बेडरूम के अंदर पिंक कलर के रोजेज ला के रख लेने चाहिए और हर शुक्रवार को आपको उसे परफ्यूम से, इत्र से या फिर गुलाब जल से सुगंधित कर देना चाहिए। आर्टिफिशियल लाइएगा और ज़रूर सजाइएगा अपने बेडरूम को। आपके बेडरूम में आपके बेड के नीचे आपको चांदी का एक छल्ला लाल रंग के धागे में शुक्रवार की रात्रि में रख देना चाहिए। आपके पति जब सो रहे हों, तो आपको उनके सिर पर अपनी तीन उंगलियां, ये जो तीन उंगलियां होती हैं ना, इसे धीरे धीरे सहलाते हुए अपने प्रेम का इजहार करना चाहिए। शुक्रवार की रात्रि को ही करेंगे आप ये काम, अपने प्रेम का इजहार करना चाहिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना जी नहीं सकती हूँ, मैं आपकी ज़िंदगी हूँ, आप मेरी सांसें हैं। जो भी आप अपनी फीलिंग्स उनको बताना चाहते हैं, भाई प्यार भरे लफ्ज़ हैं, जैसे भी आप निकालना चाहते हैं निकालिए, और इन तीन उंगलियों से उनके सिर को सहलाते जाइए। देखिएगा उनके अंदर आपके लिए प्रेम जागृत होने लगेगा, आपकी सेक्सुअल लाइफ स्ट्रॉन्ग होने लगेगी। अगर आपकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं है, तो आपको शुक्रवार के दिन 5 जामुन ले जाकर राधा कृष्ण के मंदिर में चढ़ा देने चाहिए। ये एक बहुत अद्भुत उपाय है। जामुन हम कब खाते हैं? जब हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। डायबिटीज़ का सबसे अच्छा तोड़ जो है वो जामुन है ना। जामुन के अंदर शुक्र की पावर्स को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। इसीलिए शुक्रवार के दिन जब आप जामुन ले जाकर राधा कृष्ण के मंदिर में चढ़ाएंगे, तो ये आपके शुक्र को और बलवान और अच्छा कर देगा, आपके शैया सुख को बढ़ा देगा। चलिए जी, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल हों, उससे पहले अगर आप अपने सीधे हाथ की मध्यमा उंगली से उनके पैर के तलवे पे, कौन से पैर के तलवे पे, उल्टे पैर के तलवे पे, अगर आप सीधा ऐसे इत्र का एक लाइन बना दें और उनसे कहें कि आप उनसे बहुत प्रेम करती हैं। थोड़ा टिपिकल काम तो है, लेकिन मुझे पता है मेरी बच्चियां बहुत होशियार हैं,
अपनी गृहस्थी को और अपने पति को अपने कंट्रोल में रखने के लिए कर लेंगी किसी ना किसी तरह से। तो ये कार्य आप ज़रूर करिए। मध्यमा उंगली से उनके पैर के तलवे पे आपको सीधी लकीर बना देनी है इत्र से, ज़रूर करिएगा। इत्र अगर चंदन का हो, इत्र अगर गुलाब का हो तो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आपके लव लाइफ में हो रही हैं प्रॉब्लम्स तो आपको क्या करना चाहिए? ये तो सेक्सुअल लाइफ उन लोगों के लिए हो गई जो शादीशुदा कपल्स हैं, उनके पास तो बहुत पावरफुल एक चीज़ है जिससे वो एक दूसरे के प्यार को और बढ़ा सकते हैं। पर वो बच्चियाँ जिनकी शादी नहीं हुई और जो अपने प्यार को हमेशा के लिए अपने साथ बांध कर रखना चाहती हैं, आपको क्या करना चाहिए? शुक्रवार को पीली मिठाई अपने प्रेमी को ज़रूर खिला दीजिए। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग का एक वस्त्र पहनकर जाइए, उसके ऊपर गुलाब का इत्र लगाइए और जाकर 3 बार उनके उल्टी साइड में खड़े होकर उनसे कहिए, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। उल्टे साइड में खड़े होइएगा और फिर उन्हें बोलिएगा, चाहे वो सुने चाहे नहीं सुने, पर आपको ये कार्य ज़रूर कर देना है। शनिवार की रात्रि में आपको अपने बेडरूम के अंदर जामुन के 2 पत्ते रखने हैं। एक पत्ते पर अपना नाम लिखिए और दूसरे पत्ते पर अपने प्रेमी का नाम लिखिए। रात को रखकर सो जाइए। अगले दिन सुबह इन दोनों पत्तों को आपस में बांध दीजिए और किसी पेड़ के नीचे जाकर रखाइए। छोटे छोटे सरल से उपाय हैं जीवन में अद्भुत तरीके से बदलाव लाते हैं। प्रेम पत्र लिखा है या सिर्फ व्हाट्सएप ही करते रहते हो आजकल, या ईमेल्स? नहीं, प्रेम पत्र लिखो। पत्र के अंदर एहसास ज़्यादा अच्छे उभर कर आते हैं। एक पेपर पर जब आप अपने दिल की बात लिखते हो ना, तो वो जज्बात सीधे दिल में उतर जाते हैं। इसीलिए शायद कहीं ना कहीं अभी भी ऑनलाइन पढ़ाइयों के बावजूद भी किताबें हमें ज़्यादा अच्छा पढ़ाती हैं, क्योंकि पेपर पर लिखी हुई चीज़ सीधा दिल और आत्मा के संपर्क में आती हैं। लव लेटर ज़रूर लिखा करो और फ्राइडे के दिन वो लव लेटर अपने प्रेमी या प्रेमिका को ज़रूर दिया करो। सुनो, उसमें ज़रा सा गुलाब का इत्र भी लगा दिया करो, मज़ा आ जाएगा। चले फिर लाए कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा। अपने इस साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।